हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज एक नई स्वीडिश साइकोलॉजी के थ्रिलर मूवी जिसका नाम है रेड डॉट। मूवी की ओवरऑल लेंथ 1 घंटे 25 मिनट की है। आपको स्वीडिश लैंग्वेज विथ इंग्लिश सबटाइटल्स देखने को मिलती है, उसके अलावा बहुत सारे सबटाइटल्स हैं मगर हिंदी में ये अवेलेबल नहीं है। खैर, अब ये मूवी कैसी है वो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बिग शॉट आउट देना चाहूंगा मेरे दो सब्सक्राइबर्स। तो भाई, एक का नाम है जिशान और दूसरा एक यूट्यूब चैनल है मूवी नेटिक्स। तो यार, इन दोनों को मैं दिल से थैंक यू बोलूंगा कि भाई इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहना। खैर, अब बात करेंगे इस मूवी के प्लॉट की, जो कि फोकस करता है नाडिया और डेविड पर, दोनों ही कपल से और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। खैर, अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब नाडिया प्रेग्नेंट हो जाती है और डेविड एक हाइकिंग ट्रिप का डिसाइड करता है। अब इस ट्रिप पे जाने के बाद इन कपल्स के साथ क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी। खैर, अब बात करेंगे इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, जो कि स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगता है कि यार हमने इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारी मूवीज़ देखी, हॉलीवुड मूवीज़ की बात करो, लेकिन जैसे जैसे मूवी प्रोग्रेस करती है उसके बाद जो जो चीज़ें वहाँ पर होने लगती है और आप कह सकते हैं जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं उसके बाद आप पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हो और आप लोग खुद से यही सवाल करने लगते हो कि यार ये वही मूवी जो हमें स्टार्ट में नज़र आ रही थी। इसके अलावा इस मूवी में आपको कुछ ही कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जिनको बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है, यानी कि कोई भी चीज़ को लेकर आपके माइंड में कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। सिनेमाटोग्राफी की बात करेंगे तो यार लोकेशंस बहुत बढ़िया, यार ऐसे लोकेशन से कि मतलब आपका भी मन करे कि अगर हमारे पास पैसे हो तो हम भी फौरन उसी जगह पर चले जाए जहाँ पर इस मूवी की शूटिंग हुई है। एक ट्रीट से कम है नहीं, लेकिन जो एक एटमोसफियर यहाँ पर क्रिएट किया है डायरेक्टर ने फर्स्ट सीन से लेके एंड तक, वो बहुत ही गजब लगता है। और सिनेमाटोग्राफी की चीज़ मैं बता दूँ कि ये चीज़ बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती है, बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं भी लगती है। जब कोई कैरेक्टर भाग रहा होता तो कैमरा शेक होता है, तो उस वक्त हमको ऐसा फील रहता है एज एन व्यूवर्स या एज एन ऑडियंस कि हम भी उसके साथ भाग रहे हैं। तो ये जो फीलिंग होती है ना, ये आजकल की मूवीज़ में हम लोग महसूस कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब कोई कैरेक्टर भाग रहा है तो कैमरा स्टिल सीधा ही खड़ा रहना चाहिए, वो मज़ा नहीं आता। लेकिन सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, लेकिन जो चीज़ मुझे पर्सनली पसंद आई वो यहाँ पर मैंने डेफिनेटली महसूस किया और मुझे इसकी सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी लगी। खैर, अगर BGM की बात करूँ तो यार आउटस्टैंडिंग, मतलब एक ऐसी मूवी जहाँ पर एक ऐसा BGM होना चाहिए जो एक सिंपल सीन को भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए और आप एज ऑफ द सीट बैठो, तो वो BGM आपको यहाँ पर सुनने को मिलता है, गारंटीड, ये मेरी गारंटी है। और अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पर जितने भी एक्टर्स हैं, स्पेशली जो लीड एक्टर्स हैं, उन लोगों ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। जो इमोशंस, जो डर वो जो स्क्रीन पर लेके आना चाहिए ना, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने उतारा है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मूवी आपको सोचने पर मजबूर कर दी कि इतना तो गारंटीड है। और ये पहली मूवी है जहाँ पर जो मेरी एक फीलिंग्स थी वो बदलती जा रही थी। अब वो क्यों बदलती जा रही थी वो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा, बस मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि अगर आपको एक ऐसी मूवी देखना है जो आपको 1.5 घंटे एंटरटेन करे, आपको सोचने पर मजबूर करे, आपको कुछ अलग हटके दिखाए, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली चीज़ें दिखाए, तो ये मूवी को आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। और अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करूँ तो इस मूवी में आपको किसिंग सीन्स देखने को मिलेंगे, वायलेंस के सीन्स देखने को मिलेंगे जो कि थोड़े बहुत स्कैरी भी फील आ सकते हैं, तो इस हिसाब से आप अपनी फैमिली के साथ मत देखना। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा डेफिनेटली 7 out of 10। मुझे ये अच्छी लगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सबको अच्छी लगे। यार बस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो जरी सी भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इस वीडियो की लिंक को आप लोग आपके WhatsApp ग्रुप में FB पे जहाँ भी मर्जी से शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।